नमस्कार साथियों, जैसा कि हम पिछली वीडियो में पढ़ लिए थे कि स्वर व्याकरण क्या है, ठीक है, यानी व्याकरण क्या है, व्याकरण का क्या उद्देश्य है, और जिसमें हम पढ़ लिए थे वर्ण से संबंधित, जिसमें स्वर वर्ण पढ़ लिए थे, ठीक है, और अब हम पढ़ेंगे स्वर वर्ण के प्रकार, ठीक है, जिसमें स्वर वर्ण में अगर कहा जाए, ठीक है, तो स्वर वर्ण को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला होता है मूल स्वर और दूसरा संयुक्त स्वर, ठीक है। यहाँ पे मूल स्वर यहाँ पे देख सकता है, जैसे अ आ हर्षई दीर्घई हर्षऊ दीर्घऊ ए औ, ठीक है, और संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर यानी क्या होता है, दो अन्य भिन्न स्वर से मिलकर बना होता है। जैसे अगर कहा जाए, यहाँ पे देख सकते हो ओ और ए मिलके बनता है ए, ठीक है, और ओ जोड़ ओ मिलके बनता है औ, ठीक है। यहाँ पे मूल स्वर को भी दो भागों में बांटा गया है, जिसमें बांटा गया है पहला है ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है अगर कहा जाए, तो ह्रस्व स्वर क्या होता है, तो ह्रस्व स्वर जिसके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, जैसे अगर पढ़ना है, जैसे अगर कहते हैं ओ, ठीक है, तो ओ को यानी कम, लेकिन अगर जैसे ही अगर हम आ पढ़ते हैं तो आ को बोलने में अधिक समय लगता है, इसीलिए, ठीक है, यहाँ पे ओ क्या हो जाएगा, ह्रस्व स्वर, और दीर्घ स्वर में कहा जाए तो दीर्घ स्वर में जिसके उच्चारण में अधिक समय लगता हो, जिसके उच्चारण में अधिक समय लगता हो, जैसे अगर कहा जाए ये दोनों में, ठीक है, जैसे ओ, ठीक है, तब बोलते हैं ओ यानी कम समय लगता है, लेकिन यही पढ़ते हैं आ, ठीक है, तो आ यानी अधिक समय लगता है, तो इससे तुमको कॉन्फ्यूज हो जाता है क्या, जो मतलब कौन सा है स्वर ह्रस्वर और कौन दीर्घ स्वर, ठीक है। तो यहाँ पे ह्रस्वर जिसके उच्चारण में कम समय लगता है, और जब जैसे अगर कहा जाए ओ हो गया हर्षई, ठीक है, दुर्भव नहीं हर्षऊ री, ठीक है, यानी ह्रस्वर चार होते हैं, याद रखना ये चार होते हैं, ह्रस्वर चार होते हैं, और जबकि दीर्घ स्वर होते हैं सात होते हैं, याद रखना, ठीक है। जिसके अगर इसको अगर दीर्घ स्वर को अगर और डिफिनेशन कहा जाए तो इसको यानी जिसके उच्चारण में दोगुना समय लगता हो, ठीक है, और यहाँ पे मूल स्वर को एक और स्वर में भी बांटा सकता है, बांटा जा सकता है, जैसे इसको अगर कहा जाए तो प्लुत स्वर में भी बांटा जा सकता है, ठीक है, प्लुत स्वर, ठीक है, यानी जिसके उच्चारण में तीन गुना समय लगता है, ठीक है, तीन गुना समय, यानी अगर कहा जाए जैसे पढ़ा होगा सुनो, ठीक है, यानी ऐसा वाला, ठीक है, यानी ऐसा यानी खंडाकार का पढ़ा होगा, ठीक है, सुनो, ठीक है, यानी ये सब जैसे ही रहेगा, ठीक है, ऐसा वाला जिसको कहते हैं, किसी को कहते हैं सुनो, यानी अधिक समय, यानी दीर्घ से भी क्या होता है अधिक समय लगता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं व्यंजन वर्ण, ठीक है, आखिर व्यंजन वर्ण क्या होता है, तो पिछले हम पढ़ लिए थे स्वर में क्या, स्वर वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, जबकि यहाँ पे व्यंजन स्वर का जस्ट उल्टा है, ठीक है, यहाँ पे स्वर का जस्ट उल्टा है। जैसे इसमें कहा अगर कहा जाए व्यंजन वर्ण का डिफिनेशन देने के लिए, तो कह सकते हो क्या, व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसमें स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है, ठीक है, और कहीं कहीं तुम डिफिनेशन ये भी पढ़ा होगा, क्योंकि डिफिनेशन ये पढ़ा होगा जे स्वर वर्ण, ठीक है, यानी व्यंजन वर्ण अगर कहा जाए तो व्यंजन में पढ़ा होगा कि व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता ली जाती है। तो दूसरे वर्ण कहने का मतलब क्या, यहाँ पे बदलाव ऐसे यह क है, ठीक है, तो अगर क को हम तोड़ते हैं क को, तो क हलंत प्लस अ में लिखा जाता है, ठीक है, यानी अब तुम वर्ण का डिफिनेशन पढ़ चुके हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता, तो यहाँ पर भी क्या ये भी हम बतला चुके हैं ये वर्ण है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कौन सा वर्ण, व्यंजन वर्ण, क्योंकि व्यंजन वर्ण में हम देखो इसको उच्चारण पढ़ते हैं को, तो क के साथ क्या आता है ओ आता है, और ओ क्या है एक स्वर वर्ण है, इसलिए कहा जाए इसका डिफिनेशन से भी स्पष्ट हो जाता है कि व्यंजन वर्ण जैसे ही हम बोलेंगे, ठीक है, तो स्वर का उच्चारण अपने आप हो जाएगा, ठीक है, यानी जिसके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है वह कहलाता है व्यंजन वर्ण, ठीक है। अगर व्यंजन वर्ण पूछ दिया जाए कितना है, ठीक है, तो व्यंजन वर्ण होता है 33, ठीक है, व्यंजन वर्ण 33 होता है, लिख लेना, एक पॉइंट बना के भी लिख लेना, ठीक है, व्यंजन वर्ण 33 होते हैं, ठीक है, और यानी इसको अगर कहा जाए, ठीक है, तो क से लेकर, ठीक है, क से लेकर और विसर्ग तक के सभी वर्ण होते हैं, सभी वर्ण व्यंजन वर्ण होते हैं, ठीक है, क से लेकर विसर्ग तक जितने भी वर्ण होते हैं सभी होते हैं व्यंजन वर्ण, ठीक है। अब हम यहाँ पे समझ लिए, ठीक है, यानी चलिए
अब और आगे। चलिए अब हम पढ़ते हैं वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला क्या है? वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, यानी वर्णों के सार्थक समूह को वर्णमाला कहते हैं, जिसमें तुम पढ़ चुका है 11 होता है स्वर वर्ण। ठीक है, जिसमें अगर तुमसे पूछ दिया जाए जे स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितना है, ठीक है, तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितना, 25। यहाँ से क वर्ग आ गया, च वर्ग आया, ट वर्ग आया, त वर्ग, प वर्ग, यानी ये सब जितने भी है, ठीक है, स्पर्श व्यंजन कहलाता है। ठीक है, यानी स्पर्श व्यंजन कितने हैं, 25। ठीक है, जो य हो गया, र, ल, व, ये चार होते हैं, और ये इसे चारों कहा जाता है अंतःस्थ व्यंजन वर्ण। ठीक, यहाँ पे तलाब्य स, मूर्धन स और दन स और ह, यानी ये चार होते हैं, इसको कहते हैं उष्ण व्यंजन वर्ण। ठीक है, अगर तुमसे ये क्वेश्चन पूछ दे उष्ण व्यंजन वर्ण कितने होते हैं तो मार देना चार। ठीक है, और कौन कौन होते हैं तो तुम देख सकते हो। ठीक है, और अनुस्वार और विसर्ग, ये अनुस्वार और विसर्ग दोनों को कहा जाता है अयोगवाह। ठीक है, अगर तुमसे ये पूछ दिया जाए अयोगवाह कितने होते हैं तो मार देना कितना, दो। और ये अयोगवाह क्यों कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके लिखा जाता है किसी और तरह से और पढ़ा जाता है इसके अलग तरीका से। ठीक है, जैसे हम एग्जाम्पल भी बतला देंगे, एक ड होता है, एक ढ होता है। ठीक है, ये दोनों होता है क्या, हिगुण व्यंजन वर्ण। ठीक है, अगर तुमसे ये क्वेश्चन पूछ जाए हिगुण व्यंजन वर्ण कितने होते हैं तो दो। ठीक है, चलिए रिवाइज कर लेते हैं, जैसे वर्णमाला। ठीक है, तो वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला, जिसमें सब देख रहे हो स्वर कितना आता है, 11। ठीक है, और क वर्ग से लेके प वर्ग तक कहलाता है क्या, स्पर्श व्यंजनों की संख्या। ठीक है, अगर तुमसे ये क्वेश्चन पूछ देता है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितना होता है तो 25। ठीक है, अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितना होता है तो 4। उष्ण व्यंजन वर्ण की संख्या कितना होता है तो 4। और अयोगवाह कितने होते हैं, 2। और हिगुण व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, 2। चलिए ठीक है, वर्ण से संबंधित हम लोग पूरे पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिसमें अति व्याकरण का भी डिफिनेशन भी पढ़ लिए हैं, वर्ण भी पढ़ लिए हैं, वर्ण दो प्रकार के, स्वर व्यंजन। ठीक है, और व्यंजन ये सब अब वर्णमाला भी खत्म कर दिए हैं। ठीक है, अब आप लोग बतलाइए कि जो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वीडियो। ठीक है, कमेंट करके बतलाइए। ठीक है, और चैनल को भी, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि ये सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। ठीक है।